नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरिया। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा पेश किया। आयोग ने इंसेंटिव के साथ साथ स्वैपल बैटरी के लिए कड़े टेस्टिंग प्रोटोकॉल का सुझाव भी दिया। मसौदा नीति ऐसे वक्त में आई है जब वाहनों में आग लगने की कई घटनाओं के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों पर चिंता बढ़ रही है। आयोग ने अपनी मसौदा नीति में कहा है कि बड़े शहरों में हो रहे दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के सेगमेंट के महत्व को देखते हुए राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दूसरे चरण के तहत कवर किया जाएगा। नीति में फिक्स्ड या स्वैपल बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री से जुड़े कारोबारी मॉडलों को समान मौके की बात की गई है। मसौदा नीति में भी ये भी प्रस्ताव है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद के लिए मौजूदा या नई योजनाओं के तहत दिए जाने वाले डिमांड साइड इंसेंटिव को इस नीति के तहत एलिजिबल स्वैपल बैटरी वाली ईवी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें सुझाव दिया गया है कि इंसेंटिव कितनी दी जाए या कितनी बैटरी की किलोवाट रेटिंग और कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के आधार पर तय किया जा सकता है। मसौदा नीति के मुताबिक बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के लिए फ्लोट बैटरी की ज़रूरत के हिसाब से बैटरी प्रोवाइडर्स को आवंटित सब्सिडी के लिए उपयुक्त मल्टीप्लर लागू किया जा सकता है। मसौदा नीति में ये भी कहा गया है कि ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कि सब्सिडी को बांटने के लिए एक निर्बंध तंत्र संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंटरफेस पर उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने प्रस्तावित किया कि किसी भी ड्राई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, आर्क फिनेमा या इलेक्ट्रिक इंटरफेस पर किसी भी अवांछित तापमान बढ़ोतरी से बचने के लिए एक मजबूत या कठोर टेस्टिंग प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। बैटरी प्रबंधन प्रणाली ऑटो सर्टिफाई होनी चाहिए और परीक्षण के लिए खुली होनी चाहिए ताकि विभिन्न प्रणालियों के साथ इसकी संगतता और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ की जा सके। मसौदा में कहा गया है कि मौजूदा माल और सेवा कर व्यवस्था के अनुसार लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन आपूर्ति उपकरण पर टैक्स की दरें क्रमश 18% और 5% है। इसमें सुझाव दिया गया है कि जीएसटी प्रावधानों पर निर्णय लेने वाली संस्था जीएसटी परिषद दो टैक्स रेट में अंतर को कम करने पर विचार कर सकती है। तो ये थी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के लिए नीति आयोग के मसौदे की पूरी जानकारी। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।